की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद। रविंदर रायना जिंदाबाद। मन बिना एक जय है शिष्य मागे गाए तब जय गाथा जन जन मंगल गायक जय हे भारत मागे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की जय। डोमिसाइल को पहले हम पीआरसी बोलते थे, 8-8, 10-10 हज़ार गलीबों से लूटा जाता था और 2-2, 3-3 साल लगाते थे। मैं कहता हूं कि हुआ सबका विकास हो रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़ा विकास होगा। जिस तरह से आपने जो आपने काम बताया फिशबल वर्क है सर, आपको नहीं लग रहा डेली वेदर जो एनवाईसी के बात करें डेली वेदर रेफरेंस? देखिए हां, मैं पहुंच गया डेली वेदर्स में। क्या हुआ डेली वेदर में? हमारे मुर्मू साहब गवर्नर थे, मैं नाम उनका भूल गया, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, एक सेंटर सरकार की डायरेक्शन पर उन्होंने एक ओके कर दिया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हुआ था कि हमने डेली वेजेस को परमानेंट करना है या इनका कोई लमसम पे फिक्स करनी है। उस वक्त लिस्टें जो थी 60,000 लोगों को परमानेंट करना था, लेकिन जब यह सरकार ने माना कि हम इनको करने जा रहे हैं तो 120 हो गए। ये यहाँ के जो एमएलए रहे हैं, ये यहाँ के जो लीडर रहे हैं, उन्होंने धांधलियाँ की हैं, बैकडोर एंट्री की है और बहुत सारे लोग अनड्यू भर्ती किए हैं। ना उनके पास कोई वोचर है, ना बिल है, आज वो सारे ऑनलाइन है, इसीलिए ये रुका हुआ है। जिस दिन साफ शफाफ लोगों की लिस्ट बनेगी प्योर, तो उस दिन ये परमानेंट हो जाएंगे। नहीं बनेगी तो जैसे वो उनको पूछो जिन्होंने उनको लगाया है बिना रूल के, बिना किसी एसआरओ के, क्यों लगाया गया था सर, ये उनसे पूछे। तो उनके साथ धोखा करने वाले वो एनसी कांग्रेस के लोग हैं और हम फिर कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार इसमें बिल्कुल वचनबद्ध है, कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो जायज लोग होंगे उनको इसका बेनिफिट उनको परमानेंट किया जाए। दर्द वही जानता है जिसका परिवार डेली वेजर को, जिसको सर महीने बड़े त्योहारों पर सैलरी नहीं मिलती, एक डेली वेजर का दर्द वही जानता है सर। आम वो लीडर क्या जानेंगे सर जो एसी रूम में बैठ के दावे कर रहे हैं सर, एसी रूम वाले जो बैठे हुए उन्होंने इनको बर्बाद किया है, लेकिन ये हमारी सरकार की पूरी कोशिश है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे अशोक कोल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी, सबकी कोशिश है कि इनके साथ इंसाफ होगा। मैं इसके बारे में कोई इतना बड़ा कमेंट नहीं दे सकता। सर, आपको नहीं लग रहा उनको एक्सेल सर्विस से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 30 साल से लेकर 36 साल की उम्र में उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, ड्राइविंग का अगर नहीं है तो वो दूसरे का लाइसेंस लेके 3 साल का वो एफिडेविट लेके भी उसमें अप्लाई कर सकता है। और देखिए कितनी मजेदार स्कीम है कि आपने, आपको कोई गारंटर नहीं देना है, कोई किसी के पास नहीं जाना है, आपने सिर्फ ऑनलाइन डोमिसाइल एक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वो भी सरपंच से कि मैं बेरोजगार हूं 2, ड्राइविंग लाइसेंस 3 और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 4 ही कागज आपने देने हैं और ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किसी क्लर्क के पास नहीं जाना है। आपको कॉल किया जाएगा, जैसे पिछली बार 150 फॉर्म हुआ था तो 70 की लॉटरी निकाली गई, 70 लोगों को मोहन के अंदर गाड़ियां सेक्शन हो गई है और विद इन 15 डेज उनको चाबी भी देने जा रही है सरकार। और 10 लाख की गाड़ी है सपोज, आपको 20% ऑन स्पॉट डिस्काउंट है, वो 8 में मिलेगी, आपने यहां से 1 रुपया नहीं देना है। और आगे सुनिए, 8 में मिलेगी और 9 महीने तक आपने कोई उसकी किस्त नहीं देनी और ना आपको उस पर सूद लगेगा जो आपका 8 लाख रुपया होगा। हाँ, 9 महीने के बाद आपका सूद भी स्टार्ट होगा, आपकी किस्त भी स्टार्ट होगी। और जो बच्चा हुनहार है, काम करने वाला है, तो मैं ट्रांसपोर्टिंग भी करता हूँ, ठेकेदारी भी करता हूँ, 9 महीने में काम करने वाला बच्चा उस गाड़ी को फ्री भी कर सकता है, फ्री नहीं करता तो आधे पैसे बना सकता है। ये एक स्कीम है, इसको नोट कीजिए और जनता के अंदर फैलाइए, बच्चों के अंदर फैलाइए। दूसरा नंबर, ये लोग कहते हैं ना सरकार क्या कर रही है, अभी मुझे 2 घंटे चाहिए, मैं बताता आपको क्या क्या होता है सरकार के अंदर। फिर एक और तेजस्वनी, यह हिंदी लफ्ज है, यह स्कीम मुझे कल अर्जुन जी ने बताई,
ये लेडीज के लिए जो यंग बेटियां हैं 18 साल से 36 साल की उम्र में मेरी बहनें हैं, उनके लिए 5 लाख का लोन बिना किसी गारंटर के, बिना किसी दलाल के उनको मिलेगा और वो अपना कोई भी बिजनेस चलाएंगे उस 5 लाख में। उसमें से भी उनको 50,000 रुपया माफ है, पीछे बचा 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपया उस पर कोई सूद नहीं है, वो आपने किस्तों में अदा करना है और मतलब उसका 4-5 साल का पीरियड होगा। और फिर भी अगर आपको हो गया, अभी भी हम स्टे नहीं हो रहे हैं, तो सरकार आपको आके आपके घर में कोई गोली नहीं करेगा। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि 70 साल के अंदर आप बताइए कि कांग्रेस सरकार ने एमसी का जो सरकार स्टेट के अंदर रही, कौन सी गरीब कल्याण योजना बनाई? एक ही योजना बनाई, एमजी नरेगा, और जिसके अंदर आप देख रहे हो कि आज जीआरएस का मकान 4 जगह पे पक्का है, उसके पास बुलेरो गाड़ी है, उसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। लेकिन आम जनता को उस योजना से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। आपको ये पता होगा कि उसका भी अब टेंडर होगा। आपने देखा ये ठेकेदारी कार्ड, मैंने 2014 में, मुझे ये नहीं कहना चाहिए माइक पर, लेकिन मैंने बनवाया और मेरा कार्ड नहीं बन रहा था, हालांकि मैंने इलेक्शन एमएलए का लड़ा था, फिर भी मुझे 14,000 रुपया एक क्लर्क ने लिया और फिर जाके मेरा कार्ड बना। आज आपको गुलाब बना के कैंप लगा के वो कार्ड फ्री में मिल रहा है। आप फिर कहोगे कि सरकार काम नहीं कर रही है, जो सरकार, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा लेकिन कहना पड़ता है, आप जाइए जामसराम मरास बग्गा शहर के अंदर, कम से कम 100 लोगों से इन एमसी के वर्करों ने कम से कम 4 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था कार्डों के लिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ भी जाता हूँ, वो रोते हैं, किसी से 40,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, कि तुझे डी क्लास, उसे सी क्लास, उसे ए क्लास कार्ड देंगे। ना कार्ड बने, ना पैसा अभी तक वापस हुआ। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, चंबा होता है कि जब इलेक्शन आता है तो फिर आप लोग उठा के वोट लगा देते हो ग्राम उनकी उस पर। नहीं जी, इनका नेता अच्छा है, भरकर गंदा है। अरे नेता अच्छा है, क्या अच्छा नेता? अगर नेता अच्छा हो, मेरा वर्कर कैसे किसी के से करप्शन करेगा? अगर कोई करप्शन करेगा, हम उसको उसी वक्त कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। मोदी साहब की कैबिनेट के अंदर अभी आपने देखा, हालांकि कोई मिनिस्टर करप्शन नहीं कर रहे थे, देखा कि ये लोग उम्र दराज हो गए हैं, ये बुजुर्ग हैं, बीमार है कोई। आज उन्होंने कितनी बड़ी कैबिनेट के दिल्ली के अंदर रिशफलिंग करके नौजवान लड़कों को चांस दिया, वो किसके लिए दिया? वो इसीलिए दिया कि जो काम करेगा उसी को मौका दिया जाएगा। यहाँ करप्शन का तो आप नाम नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज जो आपको चुटकी हुई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ हमारे पास बहुत सारे नए नए लोग आ जाए हैं और जो हमारा प्रोग्राम था वो बाजार के अंदर था, किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से हमें टाइम की भी किल्लत हुई। नहीं तो हमने 10 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट करना था और 12:30-1 बजे खत्म करना था। उसके लिए मैं फिर से दोबारा आपसे माफी चाहूंगा और एक अर्ज करूंगा। हाँ, एक और बात कि एसपीओ, खासकर एसपीओ के भी 94 पोस्ट है यहाँ पर, लेकिन उसमें एक खास बात है, जो एसपीओ बीडीसी पेड था, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, जो एसपीओ बीडीसी पेड था, पे लेता था, लेकिन उसकी किसी कारण से मौत हो गई, जैसे बलदेव जी हैं भाग के एग्जाम्पल के तौर पर, या कोई बूढ़ा हो गए, बूढ़ा हुआ, उसको उन्होंने भेज दिया घर, लेकिन वो एसपीओ था। ये उन लोगों के लिए दोबारा से ये कोटा निकाला गया है।